इंडियन आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी की वाइफ शैलजा की हत्या कर दी गई। दिल्ली में उनकी बॉडी बरामद की गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने आर्मी ऑफिसर मेजर निखिल हांडा को अरेस्ट किया है। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में हत्या का कारण बेहद चौंकाने वाला है। दिल्ली के सीनियर पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मेजर निखिल हांडा मृतक शैलजा से आसक्त था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेजर की वाइफ ने इससे इनकार कर दिया, जिससे गुस्से में मेजर ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया। 35 साल की शैलजा मूल रूप से अमृतसर की रहने वाली थी। उन्होंने अर्बन प्लानिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की थी। मिस्ट्रेस इंडिया अर्थ मैगजीन के कवर पर पिछले साल जुलाई में सबसे अधिक क्रिएटिव महिला के रूप में उनकी फोटो भी छपी थी। शैलजा ने दिसंबर 2009 में आर्मी अफसर अमित से शादी की थी। शैलजा को सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और बॉलीवुड गाने सुनना पसंद था। वहीं शैलजा को जोक सुनाना भी खूब आता था। अब तक की पुलिस जांच में ये सामने आया है कि आरोपी मेजर हांडा और शैलजा अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों के बीच दोस्ती ऐसी थी कि बीते 6 महीने में आरोपी ने शैलजा को तकरीबन 3000 बार कॉल किया था। शैलजा और हांडा एक दूसरे को 3 साल से जानते थे। दोनों की पहली मुलाकात 2015 तब हुई जब शैलजा के पति नागालैंड के दीमापुर में पोस्टेड थे। यहीं पर आरोपी मेजर हांडा भी तैनात थे। पुलिस के अनुसार आधिकारिक कार्यक्रमों और अन्य सोशल इवेंट में दोनों की मुलाकात होने लगी। वही शैलजा और हांडा दीमापुर में पड़ोसी भी थे। निखिल हांडा वहां अकेले रहते थे, लेकिन जब 2 महीने पहले मेजर अमित परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गए, तब से मेजर हांडा शैलजा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसके चलते आरोपी मेजर हांडा अपनी बीमारी का बहाना बनाकर दीमापुर से दिल्ली आ गया था और बेस हॉस्पिटल में खुद और अपने बच्चे को एडमिट कराकर मौका ढूंढता था कि कैसे शैलजा से मुलाकात।